गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे एम्पियर सर्कल लॉ का पहला एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट कैरिंग वायर। इसके लिए हमने ये मान लिया है कि ये कोई कंडक्टर है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, इससे आर डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी पर हमें एक करंट की वजह से या करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड को पॉइंट पी पर कैलकुलेट करने के लिए पॉइंट पी से पास होती हुई एक हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे। स्टेट कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती हैं वो सर्कुलर इन शेप होती हैं, और स्टेट कंडक्टर उस सर्किल के सेंटर से पास होता है। तो हमने क्या क्या क्या, क्या किया कि इस वायर के अराउंड हमने एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर ली। इस तरह से यहाँ पे हमने ये मान लिया कि इस सर्किल का ये सेंटर है, यहाँ से आर डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट पी है, यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड डायरेक्शन में होगी, यहाँ पे आउटवर्ड होगी। और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, ये टेंजेंट ही इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। इस बी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने पी के पास में इसी मैग्नेटिक फील्ड का एक छोटा सा एलिमेंट डी एल लिया, पी क्यू इज इक्वल टू डी एल। ये मैग्नेटिक फील्ड का स्मॉल कंपोनेंट है पी क्यू ऑफ लेंथ डी एल। अब हम देखें इस मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन, बी डॉट डी एल लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होगा। देखिए यहाँ पे बी भी इसी डायरेक्शन में और डी एल वैक्टर भी इसी डायरेक्शन में है। जो पी क्यू की डायरेक्शन है वही बी की डायरेक्शन है, तो बी और डी एल में एंगल हो गया जीरो। तो बी डी एल कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू वन, तो ये हो गया बी डी एल। फिर यहाँ पे ले आइए, यहाँ पे बी बाहर इंटीग्रेशन डी एल, ये जो आप इंटीग्रेशन का साइन चेंज देख रहे हैं इसको बोलते हैं क्लोज इंटीग्रेशन। जब किसी एक बाउंड सिस्टम में इंटीग्रेशन करते हैं तो वहाँ पे हम इस तरह का इंटीग्रेशन का सिंबल यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं क्लोज इंटीग्रेशन। अब डीएल का इंटीग्रेशन एल, एल क्या है, इस पूरे सर्कुलर पाथ की लेंथ। तो पुट एल इज इक्वल टू टू पाई आर, लेंथ किसके बराबर होगा, इस सर्किल के सर्कमफ्रेंस के इक्वल। तो यहां से बी डॉट डीएल की वैल्यू हो गई बी इंटू टू पाई आर, ये हो गई इसकी वैल्यू। अब हमने यहाँ पे देखा कि लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू बी इंटू टू पाई आर, इसको मान लेंगे इक्वेशन वन। इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए अगर लेना हो तो। तो ये हो गया इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू बी इंटू टू पाई आर, ये हो गया पहला इक्वेशन। अब देखिए एम्पियर सर्कल लॉ हम लोगों ने इसके पहले समझा हुआ है, क्या होता है एम्पियर सर्कल लॉ, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट फ्लोइंग और थ्रेडिंग द वायर और इन सिस्टम। तो ये एम्पियर सर्कल लॉ है। एम्पियर सर्कल लॉ ये कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रेशन म्यू आई के बराबर है, और यहाँ पे हमने ये भी बी डॉट डी एल ही लिखा हुआ है। तो हम इक्वेशन वन और टू को कंपेयर करेंगे, कंपेयर वन एंड टू। तो बी इंटू टू पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, और बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन टू पाई आई अपॉन आर, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट वायर का फॉर्मूला। इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूले में अगर कन्वर्ट करना चाहें यहाँ फोर पाई लेके आएंगे तो इसकी वैल्यू 10^-7 हो जाएगी, तो बस टू का मल्टीप्लाई और डिवाइड होता देंगे, और बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू आई अपॉन आर, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट कैरिंग कंडक्टर। यहां से अब देखिए यहां से क्या पता लग रहा है, I कांस्टेंट है, म्यूट अपॉन फाइव फोर पाई भी कांस्टेंट है, तो यहां से पता लगा कि B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो अगर
बी और आर में ग्राफ ड्रॉ करें तो कैसा ग्राफ होगा? यूं जाएगा, ये भी ड्रॉ करने के लिए आता है। इसके बाद इसमें यह भी आता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर दीजिए स्टेट वायर की वजह से। हालांकि ये 10th लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी आप लोग सीख लीजिए। देखिए यहाँ से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते, पहले थोड़ा सा एक चीज और समझ लीजिए। बी इक्वल टू आपने ये पढ़ा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I अपॉन आर, इससे क्या पता लगा? बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। कि मतलब अगर ये वायर है, जैसे जैसे इस वायर से डिस्टेंस हम बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होगी। यहाँ पर फील्ड ज्यादा होगी, यहाँ पर उससे कम होगी, यहाँ पर और कम, यहाँ पर और कम, अप टू सो ऑन। तो जैसे जैसे हम वायर से डिस्टेंस बढ़ाएंगे, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन देख लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगी। करंट अगर ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है तो आप राइट हैंड थंब को करंट की डायरेक्शन में रखिए, और यहाँ पे देखिए कर्ल फिंगर यहाँ पे इनवर्ड, यहाँ से आएंगी आउटवर्ड। तो आप इस तरह के ये सर्कल्स बना दीजिए। ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। ठीक है, अगर करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर फ्लो हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है, तब मैग्नेटिक फील्ड लाइन का से कभी कभार पूछ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्वर्ट हो जाएगी। देखिए यहाँ उंगली नीचे की तरफ जा रही है, यहाँ से बाहर की तरफ, तो बस एरो की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। बस इस तरह से आपको पता है जहां पे इनवर्ड है वो साउथ बनाएगा, जहां पे आउटवर्ड है वो नॉर्थ बनाएगा। ये हो गया आपका फर्स्ट एप्लीकेशन।